तो गाइस फाइनली रियलमी ने एक नया फ़ोन लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है रियलमी 6i और इस फोन का सेल स्टार्ट होने वाला है 31 जुलाई दोपहर 12 बजे से फ्लिपकार्ट पर। दोस्तों आप बात करते हैं फोन के बारे में, लेकिन इससे पहले ये वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर आप अगर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए नई नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। चलिए दोस्तों आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों रियलमी 6 और रियलमी 6i के अंदर कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर रियलमी 6i ने कैमरे में थोड़ा सा चेंजेस किया है। यहाँ पर रियलमी 6i में आपको 48 मेगापिक्सल का बैक कैमरा मिल जाएगा और जहाँ तक कि रियलमी 6 में आपको 64 मेगापिक्सल का बैक कैमरा मिलता था और सेंसर आपको दोनों में ही सैमसंग का देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद रियलमी 6i में आपको 30 वाट का फ्लैश चार्जिंग सपोर्ट मिलता है, लेकिन दोस्तों बॉक्स के अंदर आपको 20 वाट का चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। दोस्तों ये बात आपको ध्यान में रखना होगा, अगर आपको 30 वाट का चार्जिंग यूज़ करना है तो आपको एक्स्ट्रा से 30 वाट का चार्जिंग खरीदना पड़ेगा क्योंकि बॉक्स में आपको 20 वाट का ही चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा। इसके बाद रियलमी 6i और रियलमी 6 दोनों ही फोन बिल्कुल सेम टू सेम। और दोस्तों इसकी प्राइस की बात करें तो 464 GB का 13,000 दाम हो सकता है, अगर 6 128 GB आया तो उसका 15,000 के आसपास हो सकता है। और दोस्तों रियलमी 6i में भी आपको G90T का मीडियाटेक प्रोसेसर मिल जाएगा जो कि गेमिंग परफॉर्मेंस आपको अच्छा देने वाला है, लेकिन इस फोन पर आप ज़्यादा देर तक लगातार गेम नहीं खेल सकते हैं। 1.5-2 घंटे से ज़्यादा आप अगर गेम खेलेंगे तो आपका फोन गर्म हो सकता है। और बैटरी में भी कुछ चेंजेस नहीं है, यहाँ पर भी आपको 4300mAh का बैटरी मिल जाएगा और इसमें डिस्प्ले भी आपको 90Hz का अल्ट्रा स्मूथ डिस्प्ले मिल जाएगा। मतलब कुछ भी चेंजेस नहीं है रियलमी 6i और रियलमी 6 के अंदर, सिर्फ और सिर्फ कैमरा का डिफरेंस है, बैक कैमरा वो भी, और सेल्फी कैमरा भी आपको सिंगल पंच डिस्प्ले में मिल जाएगा। दोस्तों मुझे लगता है कि इस बार रियलमी ने बजट के ऊपर ध्यान देते हुए रियलमी 6 से रियलमी 6i के अंदर कैमरा का डिफरेंस करके, मतलब 64 से 48 करके और बॉक्स के अंदर 20 वाट का चार्जिंग सपोर्ट दे करके एक बजट फोन लो प्राइस में लॉन्च कर दिया। और दोस्तों बाद बाकी दोनों ही फोन बिल्कुल सेम टू सेम है। यहाँ पर आप गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें, प्रोसेसर बिल्कुल सेम टू सेम है, G90T का मीडियाटेक प्रोसेसर मिलता है, पॉलीकार्बोनेट का डिज़ाइन मिलता है और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। यहाँ पर बिल्कुल सेम टू सेम है, बस बैक कैमरा का यहाँ पर डिफरेंस है, 64 से आपको 48 कैमरा दिया जाता है। दोस्तों मेरे ख्याल से ये एक बेस्ट बजट फोन हो सकता है रियलमी की तरफ से। दोस्तों आप अगर रियलमी 6 अफोर्ड नहीं कर सकते हैं प्राइस के रेंज के हिसाब से तो आपके लिए बेस्ट बजट फोन हो सकता है रियलमी 6i, क्योंकि इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ कैमरा का कमी ही देखने को मिलेगा, बिल्कुल सेम टू सेम है रियलमी 6 और रियलमी 6i। 13,000 के अंदर ये बेस्ट गेमिंग फोन हो सकता है, बेस्ट बजट गेमिंग फोन हो सकता है, अब आगे आपकी मर्जी, आप समझदार है। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर आप अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी जरूर प्रेस कर दीजिए नई नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो गाइस मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।